पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, थोड़ी नहीं बहुत मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने आगे से किया तो 15 mm। इज़ गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। आई होप कि सब आप अच्छे होंगे। तो गाइस अभी बजे सुबह के 6 एंड गाइस मैं निकला हूँ जॉगिंग करने के लिए। तो ये है गार्डन हमारा, तो यहाँ पे थोड़ी कसरत कर लेते हैं वर्कआउट एंड फिर निकलते हैं घर पे जाने के लिए। तो सी दिस व्यू। तो गाइस नौकरी पे जाने का टाइम हो गया है और बाइक हमने बाहर निकाल दी है, तो निकलते हैं यहाँ से और थोड़ी बाइक साफ़ करनी है तो साफ़ कर लेते हैं थोड़ा, और फिर निकलते हैं साइड पे जाने के लिए। और पीछे का व्यू कुछ ऐसा है। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Guys, finally अपन साइड पे आ गए हैं और यहाँ पे गाड़ी मैंने वहाँ पे पार्क कर दी है, आपको दिख रही होगी। और यहाँ पे फाइनली गेट लग गया है हमारा बेंगलोर का। एंड अभी यहाँ पे कोई मिस्त्री वगैरह कोई आया नहीं है, तो मैं अकेला ही आया हूँ यहाँ पे। तो देखते हैं फिर कौन आता है। और मैं आज आपको मेरे साइड में जो बेंगलोर चल रहा है ना, उसके बारे में आपको बताऊँगा वहाँ पे कितना वर्क हुआ है, तो वो देखेंगे। तो गाइस यहाँ पे मार्बल कटिंग का वर्क स्टार्ट है एंड यहाँ पे सारा वुडन वर्क अभी स्टार्ट है। और ये यहाँ का इंजीनियर है, वहाँ पे फॉल सीलिंग का वर्क स्टार्ट है और एसी का भी स्टार्ट है। यहाँ पे एसी का कनेक्शन कर रहे हैं ये लोग। एंड गाइस ये है मास्टर बेडरूम। तो यहाँ पे टेरेस पे जो लीकेज है ना, इसलिए ये टाइल्स लगाने वाले हैं, तो आपको ऊपर जाके बताता हूँ मैं। यहाँ पे अभी अलमीरा बन गई है, तो हम तो बोलते हैं इसको तिजोरी बोलते हैं, तो वो रेडी हो गई है। फॉल सीलिंग भी रेडी हो गई है, देखिए यहाँ पे। तो ये है ड्रेस एरिया। तो यहाँ पे अभी गसाई का वर्क एंड इलेक्ट्रिकल का वर्क स्टार्ट है वहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाटर प्रूफिंग के लिए लगा रहे हैं ये लोग, टाइल्स वो टुकड़ा करके लगाते हैं ना, वो लगा रहे हैं। तो यहाँ पे फॉल सीलिंग में थर्मोकोल लगा रहे हैं, क्योंकि साउंड प्रूफ होता है ना, तो साउंड इंसुलेशन होगा इससे। यहाँ पे लिफ्ट लग गई है। सी दिस गाइस, वुडन वर्क तो यहाँ पे होने वाला है। मेरी साइड पे तो अभी वुड नहीं आए हैं और अभी फ्लोरिंग भी नहीं हुआ है मेरी साइड पे। यहाँ पे फ्लोरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल का वर्क हो गया है कम्प्लीटेड एंड फॉल सीलिंग का वर्क भी स्टार्ट है अभी। अभी बजे हैं दोपहर के 1:30 एंड गाइस मैं नाश्ता कर लिया है, मैंने भजिया और 100 ग्राम भजिया खाए और भजिया के साथ थोड़ी कड़ी आई थी तो वो खा लिया है। और अब निकलता हूँ दूसरी साइड पे जाने के लिए। यहाँ पे बीम का बॉटम का वर्क हो गया है, तो मेरा काम है यहाँ पे चेक करना हाइट कम्प्लीटली है कि नहीं है, तो वो चेक करते हैं अपन। और यहाँ पे स्लैब का शटरिंग वर्क कम्प्लीटेड हो गया है, ऊपर जाके आपको बताऊँगा मैं। तो देखिए यहाँ का सीन कुछ ऐसा है, तो चलो अपन चेक कर लेते हैं हाइट पे है कि नहीं है। तो गाइस चेक करते हैं चलो। एंड 2525 मिलना चाहिए बॉटम से। यह हमने लेवल रखा हुआ है 1 मीटर का, तो वहाँ पे 1 मीटर का लगा हुआ है और ऊपर से 2525 मिलना चाहिए, है ना। तो चलो चेक करते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हम स्टार्टर फिक्स करने वाले हैं। तो ये पड़े हैं स्टार्टर यहाँ पे,
और एक यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ से लेके यहाँ पे मिस्त्री बैठा हुआ है, तो ये वहाँ उस कॉलम से माप लेके 2525 माप आता है, तो वहाँ से हम यहाँ फिक्स करने वाले हैं अभी स्टार्टर, और फिर कंक्रीटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्टर को फिक्स करके फिर कंक्रीटिंग वर्क स्टार्ट कर देंगे। और देखिए साइड कुछ ऐसी है, और यहाँ पे आपको ऊपर मैंने दिखाया था वहाँ पे स्टार्टरिंग वर्क स्टार्ट है अभी। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टरिंग वर्क हो गया है, सपोर्ट भी लग गए हैं सारे, तो ये कंप्लीटेड हो गया है। मैंने सेक भी कर लिया ऊपर जाके, तो वहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी तो फिर से खुलवा दिया वो, तो वो फिर से खोल के, तो गाइस मेरे पीछे देखिए वहाँ पे स्टार्टरिंग वर्क स्टार्ट है अभी, तो वहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, थोड़ी नहीं बहुत मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने आके सेक किया तो 15 mm वो उसने स्लेब ऊपर कर दिया था। तो अभी वहाँ पे 165 की भराई आती है ना, तो 15 mm डाउन करना था और 135 किलो तक मिलती है, तो वहाँ पे हमने करवा दिया अभी। तो फिर से वो पूरा हो गया था स्लेब का शटरिंग वर्क, तो अभी फिर से खुलवाया और 15 mm डाउन करवाया। तो अब शटरिंग वर्क फिर से कर रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे देखिए साइड हमारी, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा वहाँ पे ब्रिक वर्क स्टार्ट है अभी, तो साइड देखिए। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still. पहले मैं घर पे आ गया हूँ और अभी बजे शाम के 7, तो गाइस अंधारा हो गया है, तो खाना खाते हैं अभी और ब्लॉग एडिटिंग करते हैं बाद में और फिर सो जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना जाके, लाल बटन है ना वो हिट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय। Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want.